मूवी कैसी लगी आपको? मूवी बहुत बढ़िया थी, मैंने इंटरवल अभी तक देखी और बाकी डेट में है। काफी लव स्टोरी मूवी है, क्या कहना चाहोगे? मतलब इंटेंस लव स्टोरी है। इट्स वेरी नाइस और रोमांटिक फिल्म है और भावन तो अपना भाई है और बहुत अच्छे से काम किया उसने एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हिज ग्रेट ग्रेट सक्सेस। कैसा लगता है मतलब एक टीवी स्टार डूइंग वेरी वेल, आप कैसे देखते हैं? मतलब यस इट्स वेरी नाइस, इट्स गुड फॉर एवरीबॉडी, इट्स गुड फॉर द पीपल कि ऐसे एक्सेप्ट कर रहे हैं लोगों को जो टीवी के कलाकार हैं। और मतलब भावन के साथ आई हैव प्लेड लाइक 6-7 साल से हम लोग साथ में काम कर रहे थे, वो भी फिलहाल मेरे बर्थडे पे भी आए थे जो भी मेरा बर्थडे पार्टी हुआ था। एंड इट इज़ सो नाइस लाइक टू यू नो जस्ट कीप इन टच, एवरीबॉडी इज बिकमिंग सो सक्सेसफुल, इट्स वेरी नाइस। शो को काफ़ी प्यार मिल रहा है, क्या अपकमिंग ट्विस्ट आने वाले अगर कुछ बता सके तो? शो का भी प्यार मिल रहा है ऑफकोर्स, हम थोड़े सुपर नेचुरल जोन में चले गए हैं SSK 1 की तरह और SSK 2 भी अभी सुपर नेचुरल जोन में जा रहा है और उसको बहुत प्यार मिल रहा है एंड TRP भी बढ़ रही है। सो आई थिंक आई होप पीपल आर लाइकिंग इट एंड पीपल विल कंटिन्यू टू लव इट एंड इट्स आई जस्ट होप यू नो कि ऐसे लोग प्यार करते रहे जितना इतने सालों से प्यार दिया। खतरों के खिलाड़ी का फिनाले आ चुका है, किसको आप सपोर्ट करें? तुषार है नहीं देख रहे हैं। ओके आखिर में बिग बॉस के अंदर कोई आपकी नहीं, ओके आखिर में आप अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे शो को लेके? थैंक यू सो मच फॉर लविंग एंड सपोर्टिंग एंड हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, ऐसे ही आपके पास प्यारे प्यारे एपिसोड लाते रहेंगे एंड यस थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लविंग। आने वाले दिनों में हम आपको कोई सॉन्ग करते हुए देखेंगे? सॉन्ग मुझे करने की बहुत इच्छा है लेकिन एक तलाश है एक अच्छे सॉन्ग की, एक अच्छे डायरेक्टर की, एक अच्छे डायरेक्टर की जो उस चीज़ को जस्टिस दे पाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।